I started it during COVID. Actually, before COVID, I started it, and I had a little bit of remaining stock during COVID. That's when I decided to increase, bring out more stock to sell off the old stock, and then the business grew. जब हमने business start किया, तो इसकी reason यही थी कि तो बच्चे छोटे थे, थोड़े free थे, थोड़ा कहा कि हम लोग busy हो जाएं. Busy होने के चक्कर में ये थोड़ा business start किया, तो उसमें as a team leader ज्वाइन किया, फिर एक कंपनी, फिर दूसरी कंपनी. पहले माई स्टाइल होती थी, हैप्पीनेस क्लब हो गई, फिर ये एवॉन हो गई. इन सब कंपनीज को हमने हैप्पीनेस ला पेशन थी सबसे पहले जो मैंने ज्वाइन की, तो सब में एज अ टीम लीडर किया. तो माशाल्लाह से फिर हमने इस ज्वेलरी को कंटिन्यू करते गए. हमारे माशाल्लाह से लोग लेते रहे, पसंद करते रहे, तो हम लोग इसी तरह जिस तरह लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो हम लोग आगे जाते चलते रहे ना इसमें. तो अब तक माशाल्लाह से चल रहा है, ये लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो हमारा भी ये है कि हम करें. हाय, वी जस्ट स्टार्टेड दिस बिजनेस. वी बोथ आर डूइंग दिस बिजनेस. वी जस्ट स्टार्टेड ओनली 6 months नाउ, एंड वी आर एंजॉयिंग इट. एंड वी हैव दिस ऑल इज आवर न्यू कलेक्शन, एंड इट्स गोइंग ग्रेट. या दिस ऑल इज इंडियन प्रोडक्ट्स. इट्स गोइंग वेरी nicely, and we are enjoying it. Alhamdulillah, till now it's okay, and we need your support too. Please support us. We have Instagram page also is there, we will mention it. अस्सलाम वालेकुम. ये बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया कि हमें भी हेल्पफुल होना चाहिए. लेडीज़ सिर्फ घर बैठ के सिर्फ घरों के कामों के लिए नहीं होती, बल्कि अगर आप कुछ हेल्पफुल करना चाहते हैं, तो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करके आप भी उतनी हेल्पफुल हो सकती हैं जितना कि दूसरे लोग काम कर सकते हैं. और ये आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर होता है, क्योंकि आज कल एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए सबको साथ साथ हेल्पफुल होना चाहिए और काम करना चाहिए. आफ्टर डेथ ऑफ माई मदर आई स्टार्टेड. Being an expat, it's difficult to get our stuff over here. जी, चैलेंजेस तो हर बिजनेस में हर जगह पे आपको करने पड़ते हैं. सबसे पहली बात है, आप मेहनत कीजिए, किसी चीज़ को भी माइंड में मत लाइए, और मेहनत करते जाएंगे तो सब कुछ सही होता जाएगा. जिस तरह से हम लोगों ने ये सब काम शुरू किया, तो ये चैलेंजेस सबसे ज़्यादा लोगों को फेस करना हमारे लिए बड़ा ही कोई मुश्किल है. वो इसलिए कि लोग जो उधार लेते हैं वापस नहीं देते, या फिर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये मुश्किल हो रही है. वैसे कोई मुश्किल नहीं है, तो लोग पसंद करते हैं हमारी ज्वेलरी. ज्वेलरी में बड़ा कुछ आ रहा है माशाल्लाह से. डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह अमेरिकन डायमंड, एमराल्ड, पर्ल्स, रूबी, ये सारे डिफरेंट टाइप्स, फायर, तो हर टाइप की. Struggles actually, it's shipping, right? Yes. Yeah, shipping is a huge struggle because we are taking all these items from India. So shipping, it's little difficult actually. That is it. When first I started, there were so many challenges के काम करते हुए आपको ज़ाहिर है कस्टमर नहीं मिलते हैं, या आपको प्रमोट करना पड़ता है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, कभी के ज़्यादा है, कम है, कॉस्टली है. तो बिफोर दैट यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी कॉस्ट एंड क्रॉस, क्योंकि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, ये बिज़नेस हो या कोई भी और काम हो, तो आपको हर तरह के चैलेंजेस के लिए पहले तो उसके लिए आपको फुल रेडी रहना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है. आई एम पैशनेट आर्टिस्ट. Start slowly, but be consistent. Okay. Always market your products well. यही एडवाइस है भाई, हर काम को, छोटे से छोटे काम को भी कुछ भी यानी माइंड में मत लाएं. स्मॉल, हमें जीरो से हर काम स्टार्ट करना पड़ता है. आप लोग आइए, स्टार्ट कीजिए, बेशक छोटे से स्टार्ट कीजिए, उसी में बंदा आगे जाता है. उनके रेट्स मुनासिब रखिए, ताकि सबको मिले. अपनी क्वालिटी बेस्ट रखिए, क्वालिटी पे अपना नाम मत खराब कीजिए. जब आपकी क्वालिटी सही होगी, तो चीज़ हमेशा से आगे जाएगी, आपका बिजनेस भी तरक्की करेगा. और सबसे यही बात, और बात पे यकीन मत कीजिएगा, बस भरोसा मत करें किसी पे. और हाथ लेन देन में आप लोग वो रखें, अपना जो भी आप लोगों का सिलसिला है वो बिल्कुल क्लियर रखिएगा. तो बाकी आप आइए, हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप हमसे भी लेके आगे सेल कर सकते हैं. Advice that we can give is first of all, you can study about our market.
which type of dress materials are like in South, not Southeast? Actually, in this in Saudi, everything is different materials are there. Pakistani, Indian, Kashmiri, everything is there. So, but in India, actually, advice is that selection is the most important. You should select because everyone has their own choices. Okay, so we can study about market in very perfectly. Then start any business. Okay, sure. Thank you so much. मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि लेडीज़ को ज़रूर इस बिज़नेस में आना चाहिए, इस काम को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे आपका लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, और सबसे अबव ऑफ ऑल कि आप हेल्पफुल होते हैं अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और एक्टिव भी रहते हैं। फॉरगिव एंड कीप गोइंग।